बिना प्याज बिना लहसुन के आज हम बनाएंगे वेज थाली। तो इस थाली को आप किसी भी फेस्टिवल पे बना के रेडी कर सकते हैं और एक से डेढ़ घंटे के अंदर ये जो थाली है बनके रेडी हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले हम कढ़ाई ले लेंगे। कढ़ाई के अंदर मैंने ले लिया है 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल और तेल को हम यहाँ पे थोड़ा सा गर्म हो जाने देंगे। और जैसे ही तेल हमारे यहाँ पे थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, तेल के अंदर ऐड कर देंगे हम 1/2 चम्मच जीरा। साथ ही में डाल देंगे यहाँ पे 2 कटी हुई हरी मिर्ची। अब इसको हम थोड़ा सा भून लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 चम्मच हल्दी। हल्दी को भी यहाँ पे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ध्यान रहे हल्दी जलनी नहीं चाहिए। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ भिंडी। भिंडी को मैंने यहाँ पे इस तरह से कट कर लिया है। आप चाहें तो यहाँ पे लंबे आकार में भी भिंडी को कट कर सकते हैं। अच्छी तरह से भिंडियों को हम यहाँ पे मिला लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे अभी नमक ऐड नहीं किया है, क्योंकि नमक जो है हम बाद में ऐड करेंगे। अगर नमक भिंडी में हम पहले डाल देंगे तो जो भिंडी है हमारी चिपचिपी बन के रेडी होगी, तो इसलिए हम नमक बाद में ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर देने के बाद इसको हम ढक के रख देंगे और बीच बीच में इसको हम 1 से 2 बार चेक करेंगे। चलिए हम यहाँ पे बाकी की तैयारी शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड, मैंने यहाँ पे खीर बनाने के लिए एक बहोनी ले ली है। थोड़ा सा यहाँ पे पानी डाल दिया है, जिससे कि दूध जो है नीचे तरे में चिपकेगा नहीं। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी फ्रेंड 2 लीटर फुल फैट क्रीम दूध और इसको हम अच्छी तरह से उबल जाने देंगे। अब जब तक यहाँ पे दूध बॉयल हो रहा है, यहाँ पे हम पूड़ियों के लिए आटा लगा के रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आटा ले लिया है, उसमें ऐड करूँगी मैं नमक। फ्रेंड्स, अगर आप पूड़ियों में नमक खाते हैं तो ही डालिएगा, वरना आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एकदम सख्त आटा लगा के रेडी करेंगे। तो पूड़ियों के लिए सख्त आटा लगाया जाता है, तो यहाँ पर मैं एकदम टाइट डो बना के रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पर हमारा पूड़ियों का जो आटा है लग चुका है। फ्रेंड्स, इसको हम ढक के रख देंगे और बाकी की जो हमारी तैयारी चल रही थी उस पर हम थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने दूध को बॉईल करने के लिए रखा था, तो यहाँ पे ये अच्छे से बॉईल हो गया है। अब मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी फ्रेंड्स 1/2 कटोरी चावल। तो ये नॉर्मल चावल हैं जो हम घर में यूज़ करते हैं, वही मैंने लिए हैं। इसको हम धो के अच्छे से ऐड कर देंगे। और कोई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर बासमती चावल ही लेने हैं, जो आप घर पर खाते हो वही चावल आप इसमें डाल सकते हो। चावल को यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर इसको चलाना पड़ेगा, वरना जो चावल है नीचे तरे में चिपक जाएंगे। और चावल को हम अच्छी तरह से पक जाने देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने चावल ऐड कर दिए हैं, इसको हम छोड़ देंगे पकने के लिए। तो चलिए भिंडी को हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, भिंडी हमारी यहाँ पे बनके रेडी हो गई है और भिंडी जो है हमारी एकदम से खिली खिली बनी है, एकदम बिल्कुल भी नहीं चिपकी है। अब यहाँ पर हम ऐड कर देंगे कुछ मसाले। तो मैं डाल रही हूँ यहाँ पर स्वाद के अनुसार डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे सौंफ का पाउडर, स्वाद के अकॉर्डिंग डालेंगे नमक और इसमें मैं ऐड करूंगी अमचूर पाउडर। अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो देखा कितना आसान है भिंडी की सब्ज़ी को बनाना। तो फ्रेंड्स, सारे मसालों को मिक्स कर देने के बाद भिंडी को हम यहाँ पर 2 मिनट के लिए और ढक के रख देंगे, जिससे कि मसाले जो है हमारे अच्छे से भुन जाए। वह पनीर है, इसको हम कट कर लेते हैं। तो आप पनीर को मनचाहे शेप में कट कर सकते हैं। इस तरह से पनीर को कट कर लिया है। अब यहाँ पे हमने ले लिया है एक पैन। पैन के अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा बटर, साथ ही में ऐड करेंगे थोड़ा सा घी। दोनों चीज़ों को थोड़ा सा गर्म हो जाने देंगे। आप यहाँ पे ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अपना ये कटा हुआ पनीर और इस पनीर को हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर कच्चा पनीर भी डाल सकते, भून जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पनीर है वो भून चुका है। मुझे 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगा और पनीर जो है हमारा यहाँ पे वो हमारा चुई नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, एक बोल के अंदर हम ले लेंगे यहाँ पे गरम पानी। ऐड करेंगे यहाँ पे 1/2 चम्मच नमक। नमक को अच्छी तरह से इसमें हम मिक्स कर देंगे और इसमें हम अपना भुना हुआ पनीर डाल देंगे। ये स्टेप करने से आपका जो पनीर है भुनने के बाद बिल्कुल भी चुई नहीं होगा, तो आप ये स्टेप बिल्कुल भी स्किप ना करें। अब इसको हम ढक के रख देंगे और हम अपनी मटर पनीर की ग्रेवी बना के रेडी कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम एक कढ़ाई ले लेंगे। कढ़ाई के अंदर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून बटर, साथ ही में 1 टेबल स्पून डालेंगे घी, करेंगे कुछ खड़े मसाले। 2 यहाँ पर मैं ले रही हूँ खड़ी लाल मिर्ची, 1 डालेंगे तेज़पत्ता, थोड़ा सा टुकड़ा दालचीनी का,
दो इसमें हम डालेंगे हरी इलायची, एक इसमें हम डालेंगे बड़ी इलायची जिसको मैं थोड़ा सा क्रश कर लिया है, 4-5 लौंग डालेंगे और 7-8 काली मिर्ची, इनको हम थोड़ा सा भून लेते हैं। दो इसमें हम ऐड करेंगे हरी मिर्ची, थोड़ा सा इसमें हम अदरक डालेंगे, 2 टेबल स्पून भर के इसमें हम खड़ा धनिया डालेंगे और मसाले को यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। ध्यान रहे मसाला जलना नहीं चाहिए। फ्रेंड्स, आप इस सब्जी में अगर प्याज लहसुन डालना चाहते हैं तो इस स्टेज पे डाल सकते हैं। यहाँ पे हम ऐड करेंगे 1/4 कप काजू। यहाँ पे हम प्याज का यूज़ नहीं कर रहे हैं इसलिए मैं यहाँ पे काजू डाल रही हूँ। काजू को हल्का सुनहरा होने तक भून लेंगे। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे ये रफली चॉप किए हुए टमाटर। तो यहाँ पे मैंने 4 बड़े टमाटर का यूज़ किया है। अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिला देंगे। इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच नमक या फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। टमाटर के खट्टेपन को बैलेंस करने के लिए मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 1 चम्मच चीनी। मिला देंगे। अब यहाँ पे हम इसको ढक के रख देंगे, टमाटर को हम पकने देंगे जब तक कि टमाटर हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट ना हो जाएं। आप इसको बीच बीच में चेक भी कर सकते हैं। टमाटर को हम चेक कर लेते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं टमाटर हमारी अच्छी तरह से यहाँ पे गल गए हैं। बीच में मैंने एक बार इसको चेक भी किया था। गैस को बंद कर देंगे और इसको हम पूरी तरह से ठंडा हो जाने के बाद फाइन पेस्ट बना के रेडी करेंगे। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारी ग्रेवी थी वो थोड़ी सी ठंडी हो गई है। अब यहाँ पे जो हमारे खड़े मसाले हैं वो इसमें से हम रिमूव कर देते हैं। इनका जितना भी फ्लेवर है हमारी ग्रेवी में आ चुका है। और ये बड़ी इलायची और दालचीनी इसमें से हम निकाल देंगे और इस ग्रेवी को हम फाइन पेस्ट बना के रेडी कर लेंगे। देख सकते हैं ग्रेवी हमारी एकदम फाइन बनी है। अगर आप इससे भी ज़्यादा ग्रेवी अपनी फाइन करना चाहते हैं तो आप इसको स्ट्रेनर से छान सकते हैं तो ग्रेवी आपकी जो है और भी ज़्यादा बारीक हो जाएगी। तो चलिए हम अपना मटर पनीर बना के रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने ले ली है कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर हम ऐड कर देंगे बटर, 1 चम्मच घी। थोड़ा इसको हम गर्म हो जाने देंगे। यहाँ पे हम ऐड करेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच इसमें हम डालेंगे कश्मीरी चिली पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे इसमें कसूरी मेथी। अच्छी तरह से इसको हम मिला लेंगे और बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे वरना मसाला जो है हमारा जल जाएगा। अब इसमें हम ऐड कर देंगे अपनी प्योरी। फ्रेंड्स, अभी हमारी जो ग्रेवी है काफ़ी देर अभी और पकेगी तो ये अभी थिक है इसलिए इसको मैं पतला करने के लिए ऐड करूँगी इसमें गर्म पानी मैं ऐड कर रही हूँ। और मैंने यहाँ पे मिक्सी के जार को धो के यूज़ किया है क्योंकि उसमें काफ़ी ग्रेवी लगी हुई थी। अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, इसमें हम ऐड करेंगे अपनी मटर। यहाँ पे मैं 1.5 कप फ्रेश मटर यूज़ कर रही हूँ। मिक्स कर देंगे। इस मटर को हम अच्छी तरह से पका लेंगे तो इसको हम मीडियम फ्लेम पर पकने देते हैं 8 से 10 मिनट के लिए। तो चलिए ग्रेवी को हम चेक कर लेते हैं। मटर को हम चेक कर लेंगे तो मटर हमारे यहाँ पे सॉफ्ट हो गई है। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे अपना पनीर। जैसा कि आप देख सकते हैं पनीर हमारा बिल्कुल भी हार्ड नहीं हुआ है। मिक्स कर देंगे। पनीर डालने के बाद सब्जी को हम 2 मिनट के लिए और कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा मटर पनीर बनके रेडी है। लास्ट इसमें हम डाल देंगे 1/4 चम्मच गरम मसाला, थोड़ा सा डाल देंगे हरा धनिया। मिक्स कर लेंगे और लीजिए यहाँ पे टेस्टी मटर पनीर बनके हमारा रेडी है। तो यहाँ पे हमारा मटर पनीर भी रेडी है, साथ में हमारी भिंडी की चटपटी मसालेदार सब्जी भी रेडी है। तो चलिए अब हम अपनी खीर को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे जो चावल थे उसको हम चेक कर लेंगे। तो इस तरह से हम चम्मच में चावल को निकालेंगे और हाथों से इस तरह से प्रेस करके देखेंगे। चावल जो है अच्छी तरह से गल जाना चाहिए तो उसी के बाद हम यहाँ पे शक्कर ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने शक्कर डाल दी है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे चीनी ऐड कर सकते हैं। चीनी डाल देने के बाद फ्रेंड्स, इसको हमें छोड़ना नहीं है, अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर चीनी डाल के आप इसी तरह से छोड़ दोगे तो चीनी जो है नीचे चिपक जाएगी और आपकी जो खीर है वो ख़राब हो जाएगी। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा केसर,
साथ ही मैं डाल दूंगी यहाँ पे थोड़े से चिरौंजी और मखाने। फ्रेंड मखाने डालने से भी खीर जो है गाढ़ी होती है और काफ़ी टेस्टी भी बनती है, तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसमें हम डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स में मैंने यहाँ पे काजू, बादाम, किशमिश डाला है, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग नट्स डाल सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फ्रेंड इस खीर को हम पकड़े देंगे धीमी आंच पे जब तक ये लाल ना हो जाए। अब यहाँ पे हम बना लेते हैं अपना तड़के वाला रायता। दही ले लिया है, डालेंगे यहाँ पे रेगुलर नमक, थोड़ा सा काला नमक और डालेंगे यहाँ पे थोड़ा सा मिर्ची का पाउडर। साथ ही मैं डाल दूंगी मैं यहाँ पे थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्ची, अगर आप हरी मिर्ची खाना पसंद करते हैं तो ही डालिएगा। और साथ में मैं डाल दूंगी यहाँ पे कटा हुआ हरा धनिया, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है इसलिए मैं ज़रूर ऐड करती हूँ। सारी चीज़ों को यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दही को एकदम बढ़िया से फेंट लेंगे, इसमें बिल्कुल भी लंप्स नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा पानी डालेंगे और पानी डाल के हम यहाँ पे इसको एक बार अच्छे से मिला लेंगे। दही के अच्छी तरह से फिट जाने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी बूंदी। तो यहाँ पे हमने बूंदी डाल दी है, बूंदी डालने के बाद अच्छी तरह से इसको मिला लेंगे जिससे कि बूंदी जो है हमारी अच्छे से सोख हो जाए। फ्रेंड्स अब मैं इसमें लगाऊंगी एक तड़का। तड़का लगाने से रायता जो है काफ़ी टेस्टी हो जाता है। यहाँ पे मैंने ले लिया है एक चम्मच सरसों का तेल। तेल में डालेंगे जीरा, हींग और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर और इसको तड़के को हम डाल देंगे, ढक के रख देंगे जिससे कि सारा जो स्मोकी फ्लेवर है रायते के अंदर आ जाएगा। और लीजिए हमारा यहाँ पे टेस्टी तड़का वाला रायता बनके रेडी है। तो यहाँ पे हमारे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं। चलिए हम अपने यहाँ पे पूड़ियाँ बना के रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक चकला और उसके ऊपर मैंने ले लिया है थोड़ा सा आटा। थोड़ा सा तेल लेके आटे को हम अच्छी तरह से मसल लेंगे जिससे कि जो आटा है एकदम स्मूथ हो जाएगा। और यहाँ पे अपने चॉइस के अकॉर्डिंग पूड़ियाँ की जो लोई हैं वो हम बना के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से बना के रेडी कर ली हैं लोइयों को और यहाँ पे हम पूड़ियों को बेल लेंगे। और सारी पूड़ियों को हम यहाँ पे इकट्ठा बेल कर रख लेंगे जिससे कि पूड़ियाँ जो हैं तलने में काफ़ी आसानी हो जाती है। तो सारी पूड़ियाँ मैंने यहाँ पे बेल ली हैं। अब यहाँ पे गरम गरम तेल में हम अपनी पूड़ियों को फ्राई करेंगे। फ्रेंड तेल चाहे जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम फ्लेम पर पूड़ियों को हम तल के रेडी करेंगे। और पूड़ियों को हम यहाँ पे दो बार पलट के सेकेंगे जिससे कि हमारी जो पूड़ियाँ हैं एकदम से क्रिस्पी बनके रेडी होगी। तो लीजिए यहाँ पे हमारी पूड़ियाँ भी सेक के रेडी हो गई हैं। तो यहाँ पे हम अपनी वेज थाली लगा के रेडी कर लेते हैं। साथ ही मैं तेल गरम था तो मैंने यहाँ पे थोड़े से पापड़ भी फ्राई कर लिए हैं। तो पापड़ फ्राई हो गए हैं, चलिए अपनी थाली लगा के रेडी कर लेते हैं। अगर आप इस थाली को नवरात्रि पर बनाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे चने और सूजी का हलवा भी ऐड कर सकते हैं जिसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे डली हुई है। तो फ्रेंड्स आपको मेरी ये थाली की जो रेसिपी है कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और इसको ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी थाली की जो रेसिपी है पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर ना पसंद आई हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। फिर से मिलूंगी एक और नई रेसिपी के साथ। फ्रेंड्स वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू।